ओवर साइज का क्या हुआ हमें? 40 सेंटीमीटर लाउड होता है, आप जब बुक करते हैं उसमें दिखा होता है ना, इसलिए मैंने पूछा था आपसे। इसको मैं कहाँ रखूंगा, कहाँ बैठूंगा बाइक को? तो फाइनली दोस्तों 2:07 हो रहा है, ठीक है, और हमें पोर्टल में ऑर्डर मिल चुका है, ठीक है, मायापुर जाना है यहाँ से। करीब ए डिस्टेंस जो है इसका, करीब पहला जो ड्रॉप है इसका 1.4 किलोमीटर है। पास सोच रहा था भाई साहब कि गुड़गावा का मिल जाए, सुन ली ऊपर वाले ने भाई, जबरदस्त सुन ली भाई, तब गुड़गावा 26 का दे दिया भाई, मजा आया भाई। अपने यहाँ के तो यार पार्सल देखो दोस्तों, कस्टमर का फोन आया, उत्तम यार, ओके यार, उत्तम यार, अब फोन कैंसिल कर दिया तो क्या करें भाई। अब तो आए दोस्तों, मैं विकास आप सभी के एक नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ, ठीक है। आज दिन अपना भाई सोमवार का, और ठंड कम नहीं हो रही है, और 11:30 हो रहा है। पोर्टर राजा ने दिया एक संजय इंक्लेव उत्तम नगर के लिए। कस्टमर से बात हुई है, कस्टमर कह रहा भाई बच्चों के खिलौने हैं। मैंने बोला ओवर साइज तो नहीं है भाई? कह रहे नहीं भाई, अब तुम्हारा ओवर साइज हमें पता चल जाता है ना क्या है नहीं है, ठीक है। तो अभी कस्टमर से मिलते हैं, फिर बात। तो पहुंच गया हूँ कस्टमर के पास, ये देखो लो भाई 135 का अमाउंट है भाई, ये ओवर साइज है। हाँ, ये जो आपका पार्सल है बहुत बड़ा ओवर साइज है, बाइक का नहीं है ये? नहीं, फीबलर का माल है, इसलिए तो मैं बोला था ओवर साइज का क्या हुआ हमें। 40 सेंटीमीटर लाउड होता है, आप जब बुक करते उसमें दिखा होता है ना, इसलिए मैंने पूछा था आपसे। तो मैं कहाँ रखूंगा, कहाँ बैठूंगा बाइक, अब बताओ यार क्या करेंगे, कैसे जियेंगे हम लोग। मैडम एक पार्सल पिकअप करने आया हूँ, और ये पार्सल है ना ओवर साइज है, अराउंड आपका 40 सेंटीमीटर से आपका ट्रिपल मान लो, ट्रिपल साइज मतलब 120 सेंटीमीटर मान लीजिए। आप इसी को देखो, मैं अगर मैं यहाँ रखूंगा कहाँ बैठूंगा, मैं तो लाइन पे हूँ मैडम। हाँ मैडम, ओवर साइज से भी ओवर साइज है, ये 3 व्हीलर का माल है ये, ना कि 2 व्हीलर का। हाँ ले लो, कस्टमर को लाइन पर ले लो। कस्टमर भी तो नहीं समझता ना, पता नहीं आप क्या गाइडलाइंस लिख के देते हो कि 40 सेंटीमीटर कितना होता है नहीं होता है, या सिर्फ आप हमें ही गाइडलाइंस देते हो, सिर्फ पार्टनर को ही गाइडलाइंस देते हो, कस्टमर को कोई गाइडलाइंस नहीं होती। अरे मैडम, मैं उसको बाइक लूंगा तो मैं बैठूंगा कहाँ, खेत से देख लो, मैं काहे को रूममेट इसमें बनना थोड़ी है मेरे को पर्स लेके। ऑर्डर कैंसिल कर दिया ना आपने, ठीक है, आप तो गुडविल दोगे नहीं, आपका जनरेट ऑटोमेटिकली हो गया ना। हाँ तो कोई बात नहीं, धन्यवाद। देखा दोस्तों, सुबह सुबह की मेहनत यही होती है, हम निकलते अच्छे मूड से, और ये जो पोर्टर राजा के जो बीमारियां है ना, ये खराब कर देती भाई। किसी तरह से काम करने की इच्छा निकलते हैं हम ठंड में कि चलो यार कमाने निकलेंगे, मगर ये लोग है ना जीने नहीं देंगे। प्लस मेन चीज है ये लोग जीने नहीं देंगे, और जो ये पार्सल लेके जाते हैं ना, वो सबसे बड़ी बेवकूफी वाली काम करते हैं। अरे ठीक है भाई, बाद में लेंगे, सेल्फी लेने लग गया। चलो ये तो कभी कभार सेल्फी लेता भाई, रोज नहीं लेता। चलो भाई देखो, 11:37 हो चुके हैं, देखते कोई अपडेट होगा तो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों मुझे राइड मिली है 12:31 मतलब कि 1 घंटे बाद, ठीक है, रैपिडो में मिली है, और जाना है पंजाबी क्लब रोड। भाई हमने भी देरी नहीं किया, फटाफट से निकल चुके हैं, कस्टमर के पास मिलते हैं, फिर बात करते हैं कितने किलोमीटर है। 13 किलोमीटर 32 मिनट। चलो भाई पहुंच के फिर बात, पंचिंग करके आऊंगी। अच्छा पंचिंग सिस्टम है, लो भाई कस्टमर जा रहा पंचिंग करने, लेट हो रहा होगा। बुक तो भाई करते ही तुम इसी टाइम हो, अगर भाई पहले कर देता तो मैं भी जल्दी नहीं। दोस्तों देखो 1:26 हो रहा है, ठीक है, और ये यार जा यार तू ओला में भाई, वही अब रेट आने लग गया तो अब क्या करे। हेलो, हाँ पहुंचे। अरे अंकल यहाँ तो लोकेशन तो दिखा रहा, वो वाला आपने जो मैडम ने डाला वो तो 8 किलोमीटर दिखा रहा है। आप टच वाला फोन चलाते हो या वैसे? टच वाला फोन चलाते हो ना? टच वाला फोन चलाते हो क्या? अरे पेशेंट तो है, मुझे लोकेशन भी तो पता होना चाहिए ना अंकल। यहाँ तो लोकेशन 8 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। हाँ वहाँ से 8 किलोमीटर दिखा रहा है आपका लोकेशन। मैं बोल रहा हूँ ना पंजाबी बाग क्लब रोड पे हूँ मैं। अरे किधर आ जाऊँ अंकल, 8 किलोमीटर है पीछे कहाँ? अंकल मुझे नहीं पता है ये, अब मैडम को फोन करो, दूसरा कोई नियर बाय आ जाएगा, मेरे को तो टाइम लग जाएगा, 20-25 मिनट लगेगा ऐसे। अरे तो मेरे को इतना थोड़ी किराया थोड़ी देगा ये कंपनी, कैंसिल करवा दो उसको, बोलो नियर बाय कोई आ जाएगा आपके पास। कोई आ ही गया, तो कहाँ है कस्टमर?
मायापुरी के लिए। मैसेज कर देते हैं। आज मेरे साथ ही होता है क्या हमेशा? कोई है क्या? ऑर्डर कैंसिल। चलो बढ़िया है, टाइम पर टाइम बर्बाद यार। एक 30 हो गया। 3881 बैठो सर। ये जा रहा 5.1 ठीक है, 16 मिनट। चलो सर का हेलमेट है खुद का। लो भाई 55 का हमें मिला है सर। भाई देखो इसमें मानना जरूरी था, 25 रुपए तो भाई काटेगा काटेगा, ऑन कर लिया तो इसको है ना, छोड़ेगा तो है नहीं है। ये कितना देता हमें? मतलब 52 रुपए। ठीक है भाई, एवरेज तो अच्छा दे रहा है यार। 10 रुपए किलोमीटर के पड़ गया, 5.5 था है ना, मजा आ गया भाई। ऑन करके चलो, 25 रुपए तो इसका हो ही गया, बाकी आगे का देखते हैं क्या होता है ना। रख लो भाई, खुले 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 हो रहे और टाइम हो गए 1:50। तो भाई मोटर ऑन करते हैं, यहाँ पर तो इंडस्ट्री एरिया है तो कुछ तो सही तगड़ा बजा दे भाई साहब, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि देखो करीब 1:30 बज चुका, 1:50 हो चुका है और अभी तक कमाई जो हुई है सिर्फ 170 कितना है इसमें, 114 160 रुपये की कमाई हुई है यार, है ना, गलत हुआ ना। बच्चे 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 कोई कोई बचेगा? सब पैदार तो ऑन कर रखे हमने, ओला नहीं कर रखा, जो पहले बच जाए है ना वो तो उसको उठा लेंगे बस, जो पैंट उड़ेगी पोटरी के। हाँ बस एक ये कि अच्छी बच जाए ना लंबी, 400-500 तक की एवरेज है ना, सेट बैठ जाएगा। ठीक है जैसा भी है, कोई अपडेट होता तो बताते हैं। हाँ तो उसको तो बताना भूल ही गया यार, ओला में जो अपडेट हुआ था है ना, तो अगर आप लोगों को अगर फूड इनेबल करना है तो आपको सिर्फ ओला ऑन करते वक्त, ऑन कर लिया हमने ठीक है, ओला ऑन कर लिया, ये जो कार बनी हुई आ रही है ना इस पे हम क्लिक करेंगे ठीक है। क्लिक करते ही देखो मैंने दोनों ऑन कर रखा है, देखो राइड पे जाते कोई बड़ी बात है, फूड तो अलग बात है यार, फूड में तो बहुत लफड़ा होता है। अब एक बात बताओ, फूड के लिए हम यहाँ से पहले उसके पास जाएंगे होटल पे, होटल से पार्सल उठाएंगे, फिर उसके बाद कस्टमर को, कस्टमर 10 फ्लोर पे होगा तो 10 फ्लोर पे उसको देना पड़ेगा। अरे भाई उससे बढ़िया तो अपनी राइड ही ठीक है, कस्टमर को रोड से उठाया और रोड पे ही ड्रॉप किया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, जैसे कि मैं भी यह ऑफ करता हूँ ठीक है, इसे ऑन करेंगे आपके पास आ गया होगा ठीक है ड्यूटी सेटिंग पे, और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका है ना फूड का है ना डिलीवरी का वो ऑन हो जाएगा, जिससे कि आप अपने फूड डिलीवरी का भी जो भाई करना चाहते हैं वो करते हैं है ना, फूड डिलीवरी वगैरह करते हैं तो वो ओला में भी आप फूड डिलीवरी वगैरह कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है अपडेट ठीक है, और 50 रुपये पर इंसेंटिव मिल रहा भाई, और क्या चाहिए। तो जिसका जो सूट करे भाई वही वही काम करता है, हमें अगर सूट करेगा तो हम कर लेंगे, हमें सूट नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे, राइट तो देते वही बड़ी बात है। पार्सल क्या देगा ये, पार्सल देता तो अभी मजा आ जाता है ना। तो यही थी अपडेटिंग ओला में, परसों मैं बता देता, बताया भी होगा मैंने आपको वीडियो में कि ओला में एक अपडेट आई थी, रेट और डिस्टेंस दोनों दिख रहे थे, और उसके बाद फिर दोबारा ये दूसरा अपडेट आया ठीक है। यही है अपडेटिंग फिलहाल, बाकी सबकी अपनी की सोच की बात है, जो जिसको अच्छा लगे वो वैसा करता है ना भाइयों, देखते हैं। बात करते करते तो 54 हो गया, बाकी अब देखते हैं क्या होता है, कमाई का कोई आशा नहीं है। थोड़ा धूप देवता भी निकल ही चुके हैं, सूरज देवता थोड़ा सा निकले बट इतना नहीं, हाँ ये कि निकल जाए तो बढ़िया, और थोड़ी अच्छी कमाई हो जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा है ना, मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, तो फाइनली दोस्तों 2:07 हो रहा है ठीक है, और हमें पोर्टल में ऑर्डर मिल चुका है ठीक है। मायापुरी से जाना है यहाँ से, करीब डिस्टेंस जो है इसका करीब पहला जो ड्रॉप है इसका 1.4 किलोमीटर है, 5 मिनट दिखा रहा है, बट ये 2 more than stop है, मतलब कि एक स्टॉप और है। ये देखो पहला पास यहाँ उठाएंगे, फिर दूसरे पे देंगे, लास्ट जो हमारा है तीसरा जो ड्रॉप है वो है ओखला ठीक है, ये सुभाष नगर का। जब कहते हैं ना जब ले लेते हैं तब तो तुम बचते हो, वैसे तो कोई बचेगा नहीं तुम्हारा। तो फिलहाल और ये जो अमाउंट है हमारा ठीक है
ये है 428 रुपए का, 200 रुपए ऑनलाइन दिखा रहा है, बाकी अब देखते हैं कि क्या हो पार्सल इसका और क्या है। पहले लड्डू खाना बेकार होता है, बाद में पता चलता है कि कुछ और, जैसे अभी सुबह देखा ना आपने, तो अभी फिलहाल इसी के पास पहुंचते हैं, देखते हैं क्या है, उसके बाद फिर बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलो तो भाई जी आगे क्या सैंपल है पता चलेगा, सस्पेंस, फोन करके पूछ लूंगा ना भाई, पहले ट्रिप इस पे जाके पूछना है, जो पहला लोकेशन दे रखा है इसने, विक्रम नगर कोटला, कहाँ है विक्रम नगर कोटला भाई, लोकेशन तो सही खड़ा भाई, बस सैंपल तो इतनी देर नहीं लगता लाने में, यही है। अच्छा तू पूरा फोन कर सकते है क्या? पूछ लू ना भाई। चलो जी दोस्तों हमें मिल गया है दूसरा पार्सल भी एक ऑर्डर का, अब इसको करते हैं पहले ड्रॉप को कंप्लीट, और यहाँ से ओखला की दूरी कितनी है भाई, अरे 17 किलोमीटर, क्या ये भी जाएगा? कोई हाँ ये तो बैग मार के नीचे रख लूंगा ना, ये तो बांध लूंगा ना, एक बार पकड़ना, हाँ इसी गंडा डाल दो बढ़िया रहेगा, बोलना क्या, मैं तो बोल दूंगा भाई जो है यही है। चलो भाई दूसरा भी मिल गया, अब यहाँ से ये 17 किलोमीटर और वो रहा 20 किलोमीटर, 37 किलोमीटर पड़ गया भाई सीधा, अरे सीधा रूट है भाई, कोई झपला पुपली कुछ नहीं है, क्या बोला तूने? चलो हो सके झपला पुपली नहीं भाई, सीधा रूट है, 40 मिनट 4 बज जाएंगे भाई, ठीक है कोई नहीं, 17 किलोमीटर है, ठीक है मिलते हैं फिर ओखला में। लो भाई दोस्तों यहाँ से भी अमाउंट मिल गया है, 200 रुपये ऑनलाइन था, 230 रुपये हमें मिल गया है, और जो सोच रहा था भाई साहब कि गुड़गावा का मिल जाए, और सुन ली ऊपर वाले ने भाई, जबरदस्त सुन ली भाई, गुड़गांव 26 का दे दिया भाई, मजा आ भाई, चलो यार देखो यार पार्सल देखो क्या है, ठीक है कोई मजा आएगा, और 285 का या 86 का है पता नहीं कितने का, भी देख के बताता हूँ, ठीक है बस सोच ही रहा था भाई, कहते ना हर एक दिन में 24 घंटे में से 1 सेकंड ऐसा होता है आपका कि वो आपकी विश पूरी होती है, शायद में भी हो ही सेकंड मेरा होगा तो मैंने मांगा होगा मुझे मिल गया, कभी क्या करना, कभी सोचना कि आपने कभी कुछ मांगा हो या कुछ किसी को याद किया हो या किसी कुछ बोला हो और वो अचानक चीज हुई होगी, यार कहता यार मैं तो अभी इसके बारे में ही सोच रहा था, इसके बारे में ही बोल रहा था, वही चीज है 24 घंटे में 1 सेकंड ऐसा होता है कि जो हमारी इच्छा पूरी होती है, बट हमें पता नहीं होता है कि वो सेकंड कौन सा है, यही तो भगवान का सस्पेंस है कि बेटा तुम्हें वरदान भी देंगे मगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये वरदान तुम्हें कब मिलेगा, और जब तुम बोलोगे वही चीज होगी, पर यही है। अब बस कस्टमर भी यहाँ ज्यादा नहीं, 900 मीटर की दूरी पे था, देखते हैं हमें क्या मिलता है पार्सल, पहुंच के फिर बात करते हैं। हाँ पूछ लो पूछ लो, गुड़गावा 26 जाएगा, अब ये मैं बता देता हूँ, सेक्टर 26 47 सिल्वर ओकर्स एवेन्यू जी ब्लॉक DLF 1 सेक्टर 26 गुड़गावा, शिवानी चड्डा के नाम पे। हाँ मैडम का इनका भाई साहब का तो फोन स्विच ऑफ जा रहा था, मगर फिर मैंने सोचा भाई जिसका फोन स्विच ऑफ जाता है तो उसका जाए, एक मिनट रुकना दोस्तों, आ तो गया हूँ भाई, मगर मौसम देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, ठंड हो रही है एकदम तगड़ी वाली, ठीक है बस पहुँचने वाला हूँ, 1 मिनट की दूरी दिखा रही है, मगर भाई साहब इतनी ठंड हो रही है, कुछ मत बहुत ज्यादा ठंड हो रही है भाई, 5:40 हो चुके हैं, पेमेंट की भाई जी, हाँ हो गया नहीं लेना है,
290 रुपये, 90 रुपये। तो भाई यहाँ करते हम पार्सल को डन। ओके देखो भाई कितना मिलता था, 26, 28, 28, 60। पेमेंट हाथ मान दो तभी डन करना भाई, ठीक है। कभी भी ऐसा मत करना कि आप डन कर दो और आपके हाथ में पेमेंट आया नहीं, आप डन कर दो, बिल्कुल मत करना। जब तक आपके पेमेंट हाथ में नहीं आता तब तक तो कोई भी पार्सल कहीं कभी कोई भी हो भाई, कोई भी बोले मैं भैया कर रही हूँ, हो जाएगा। पेमेंट करो, डन करो, कर दो यार स्टार, ये तो कहाँ जाएंगे मैडम। बट ये है कि कभी भी सोच समझ के और अपनी समझदारी से भाई कोई भी पार्सल डन करे। लो भाई हो गए, इसको मुझे मिला है 230 रुपये। बजा देखो कहाँ का बजा, यार सेक्टर 24 से 24 यार, ये क्या बात हुई, नहीं चाहिए मुझे ये। तो 230 मिला भाई मुझे, 287 का मुझे 57 रुपये काटा, 230 रुपये दिए। तो अमाउंट हो गया हमारा अभी तक का 572, ये हो गया ठीक है, 100 ये हो गया, तो 672, 600। डीएलएफ की साइड नहीं जाना, डीएलएफ की साइड मत जाना भाई, डीएलएफ की साइड जाऊंगा तो उल्टा पड़ेगा, फिर घूम के वापस आना पड़ेगा, है ना। देखो पेमेंट हो गया क्या बात, फिर बजा भाई फिर बजा। अब कहाँ का बजा, अरे भाई साहब नोएडा 94 डीएलएफ फेस 1 सेक्टर 26 से, कहाँ जाऊंगा मैं नोएडा, इस टाइम नोएडा नहीं जाऊंगा भाई, सॉरी। ले लो ले लो ले लो, अरे ले लो भाई 25 ले लो यार, कोई तो ले लो। अब स्कोर रिपोर्ट कार्ड खराब हो जाएगा भाई मेरा, बहुत बहुत 42 से लेना है, 17 को जाना है। चलो देखते हैं इस टाइम में कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपडेट करेंगे ठीक है। 5:56 हो चुके, बारकोड तो धन्यवाद। तो दोस्तों अब हमें ये 46 का में कितना चुका है, 46 का अजय 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 46 का 48, वाह बहुत बढ़िया है। ये कहाँ पे है, इधर कहाँ कर दिए थे, मैं तो आ गई किधर हूँ, लोकेशन है थोड़ा इधर किधर है, आप क्या फिर मत, मैं कॉल ही करने वाला था आपको। पिन बताइए, 2016 बैठ जी, 7.2 हम बट क्या करो, कैप कैप नहीं देखता ना कैपिक वाला, फिर ये चीज है तो ठीक है। ओके तो मिलते भाई कपास चढ़ा, उल्टा दिखा मैडम, वही तो कोशिश कर रहा हूँ, ये ढंग से मैप ही तो उल्टा सुलटा दिखाता ना ये पंडा, ये है मैं रोक दो दिवाली बस
एक मिनट मैडम, खोलने तो दो। अरे एक मिनट मैडम, ये फालतू आ रहा है। राजा ये लो, स्कैन कर लो। एक मिनट, डेट हो रहा है, हो जा 76 रुपए, 76। ठीक, लो भाई 76 हो गया। अरे भाग यहाँ से, घर का चाहिए। राइट कंप्लीट। अशोक विहार गुड़गांव नहीं चाहिए। अलाउड, फिर ये यार आप बार बार कितने आएंगे यार, अलाउ करो। ठीक है, इसका कितना मिला हमें? 76 का DLF 43 चाहिए। कितने? अरे फिर आ गया, 17,50 गुड़गांव नहीं चाहिए। खतर मिला, बढ़िया भाई। अच्छा हाँ, अब बोलोगे भाई कि आप तो कहीं और जा रहे थे, कहाँ से पहुंच गए भाई? पोर्टर में अपनी रैपिडो में बच गई। ठीक है, मगर चलो यार नजदीक है वो, पता नहीं कहाँ से घुमाते रहेंगे। तो मिल गया कापस बॉर्डर, आ गए हम नजदीक। और क्या चाहिए? अब देखेंगे यहाँ से और घर का रूट मिल जाए तो बढ़िया। 7:09 हो चुके हैं। ठीक है, ऊबर ऑन कर देते हैं और ये बोलते हैं इसको हम होम रोड। ठीक है, 100 रुपये हो गए। ओला तो बंद ही हो गया होगा क्योंकि जो टाइम है उसका अट गया होगा भाई। चलो इसको भी ऑन कर देते हैं, ऑटो ऑन के कोई फायदा नहीं है, राइड मारेंगे है ना। 7:09 हो चुके हैं, अब देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिलता है, वेट करेंगे। ठीक है, कोई अपडेट होगी तो बता। तो दोस्तों फाइनली वेट करने के कुछ तो फायदा मिला, कपड़े थोड़ा से मिला है। भगवती गार्डन अपना उत्तम नगर, यहाँ से 84 का अमाउंट दिखाया ओला में। ठीक है, और पिकअप तो भाई 2.1 किलोमीटर, वापिस जाना है गुड़गांव बॉर्डर के उस पार। अगर चलो भाई ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कस्टमर का फोन आया, उत्तम यार, ओ यार, उत्तम यार, अब फोन कैंसिल कर दिया तो क्या करे भाई अब इसको, अब इसका क्या करे? देखे ये नहीं जा रहा कि नहीं जा रहा यार, बताओ। अगले को फोन भी, फोन आया अगले का, बोला भाई कैंसिल नहीं करूंगा। अब कह रहा कि भैया कोई प्लान चेंज हो गया, मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ। तो फिर ऊबर रानी ने दिया ओम बिहार उत्तम नगर के लिए, वही चलते भाई है ना। 1 घंटा दिखा रहा है, देखते हैं क्या होता भाई। ऑनलाइन है क्या? अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद। अरे आज देखे भाई 8:15 हो गया, 186। चलो भाई क्या पे? ये जो लेके आया हूँ ये 19 किलोमीटर, 184। तो भाई ये थी हमारी गम बागी, अब देखते हैं हमारा क्या होता है। ठीक है, कोई होता है अपडेट तो बताते हैं, नहीं तो मिलेंगे फिर। बजा रहा है इधर, और हर बार मैं बाजार में क्यों फंस जाता हूँ। दोस्तों भाई पैर दबा देंगे, भाई साहब इतना जाम हो रहा है यहाँ पे। तो भाई
अभी फिलहाल 8:31 हो रहे हैं, ठीक है। और मुझे ओला में मिल गया पेस्टू के लिए, मैंने बोला था ना ऑन करके रख देते यार, किस्मत में क्या पता कहाँ बच जाए, है ना। तो पेस्टू के लिए बजा भाई, और 1 किलोमीटर है, मगर 1 किलोमीटर में भाई साहब देखो 6 मिनट दिखा रहा है, 6 मिनट ट्रैफिक दिखा रहा है ना, पूछो मत, बहुत ही ज्यादा। अभी फटाफट से हम कस्टमर पर पहुंचेंगे, फटाफट से पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि ट्रैफिक है, वो जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको हम फाइनली तब मिलेंगे कस्टमर को ड्रॉप करके, ठीक है। तो भाई देखो मैं इसमें बार बार ऊपर नीचे में ऐसे हो दोस्तों, मैंने कुछ और समझा और ये निकला कुछ और। भाई फूड है, पहला फूड भाई तुम्हारा भाई ले रहा है ओला में, कस्टमर पिकअप का आ गया। अब देखते हैं भाई क्या है फूड में इसके। भाई जी ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी है 7 6 5, नहीं मैं लास्ट का नंबर बताऊँ ना। हाँ लास्ट का तो मैं बोल रहा, मैं छ मैं स्टार्टिंग का बोल दिया ना, अभी आ रहा यही है वो डिलीवरी पिकअप। तिलमपुर कोटला फेस कमेंट हो गया होगा ना, ले जा सकता हूँ ना। ओके तो भाई तुम्हारा भाई ने लिया पहला फूड डिलीवरी ओला में, होम रूट पे भी फूड डिलीवरी मिलती है भाई। मैं तो सर सवारी है, बट ठीक है सवारी नहीं है, फूड डिलीवरी है। 4 किलोमीटर है भाई, अब महंगा तो है। फेस टू पहला फूड डिलीवरी, चला ओला का पहला फूड डिलीवरी हमने एक्सेप्ट किया, समझा था राइड मगर निकला फूड डिलीवरी। देखते हमें कितना मिलता है भाई, 4 किलोमीटर का हमें ये कितना देती है ओला, है ना। लो भाई आ गए भाई फेस टू, देखते हैं भाई किसका पार्सल है और कितना मिलता है हमें इस फूड डिलीवरी पे। हेलो, हाँ जी ओला से बोल रहा था, ओला से पार्सल किया था ना आपने फेस टू पे। हेलो आवाज आ रही है, अरे भाई जी ओला किया था ना फूड डिलीवरी, हाँ तो लोकेशन पे आ गया हूँ, ये जिम के पास खड़ा। तो हाँ जी दोस्तों फाइनल बताने का टाइम आ गया, ठीक है, और 9:14 हो चुके हैं। वो भाई थोड़ा जानकारी ले रहा था तो मैंने उसको बता दिया है, ठीक है। तो अभी मैं बताना चाहूंगा कि मैंने कितनी राइड करी, कितनी पार्सल करी है, आज फर्स्ट टाइम ओला फूड डिलीवरी भी करी, जो करना नहीं चाहता था, बेकार लगता मुझे फूड डिलीवरी वगैरह, यार यहाँ से उठाओ वहां डालो, वहां से उठाओ वहां डालो, टाइम बर्बादी होता है। अब देख लो 4 किलोमीटर का दिया है और मैं चलाऊ 5 किलोमीटर, क्यों 1 किलोमीटर तो इसका फूड डिलीवरी का लोकेशन की तक था, क्या फायदा उससे, तो राइड ही बेस्ट है ना भाई। तो जो हमारी जो बाइक चल गई है वो चली है अराउंड 120 किलोमीटर, वैसे तो 1.17 मानता हूँ, बट एक दो किलोमीटर उधर उधर भी होगा भाई, तो 120 किलोमीटर हमारी बाइक चल गई है, ठीक है। बात करें टोटल अमाउंट की, तो हमने टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो 1,088 रुपये टोटल अमाउंट हुआ है, जिसमें पोर्टल में हुआ है 572, उबर हुआ है 286, रेपिडो में हुआ है 185 और ओला लास्ट में 145 रुपये, सॉरी 45 रुपये, ठीक है। तो टोटली हो जाता है इन दोनों सब का 188 रुपये। ये देख लो, अभी नहीं मानोगे तो ये देख लो यार, 286 हो गया, ठीक है, और 185 देख लो ये वाला हो गया रैपिडो, उसके बाद आपका देखो 572 ये हो गया, और ओला का देख लो। कहे कहे भैया तुम तो कुछ बोलते ही नहीं, दिखाते नहीं है, तो लो देख लो भाई। तो ये है हमारा अर्निंग, दिखा इसमें 28 रुपए का, पता नहीं क्या हिसाब से दिखा रहा है, आके 1 किलोमीटर आ गया, तो यहाँ दिखा रहा है हमारे पास 48 45 45 मान लेते हैं, छोड़ो यार इसको, बाकी क्या मानने में मानना। तो ये है अमाउंट हमारा, ठीक है, और जो बचता है हमारा 240 रुपए पेट्रोल निकाल दिया तो 848 रुपए बचते हैं हमारे पास, ठीक है, 848 रुपए भाइयो पेट्रोल निकाल के 240, 120 मानते हैं तो 240 रुपए पेट्रोल लग गया, ठीक है, 848 रुपए बचे हमारे पास। बात करें हमने कितने घंटे काम किए, पार्सल तो भाई हमने 3 सप्लाई किए, बाकी तो राइड करी है, ठीक है,
और काम कितने घंटे किए थे हमने, जो पहले की वैसे क्वार्टर की देखा जाए तो मान्यता देखी जाए तो भाई 11:30 बजे मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। पहला ऑर्डर वो कैंसिल हो गया था जिसने मुझे क्वार्टर वालों ने बिल्कुल नहीं दिए, क्योंकि क्वार्टर हो चुकी है सबसे बकवास कंपनी। पहले 20 रुपए गुडविल मिलते भी थे, बट आप क्या है ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया, आप कुछ भी कर लो तुम्हें गुडविल मिलना ही नहीं है, आप ओवर साइज पार्सल भी डाल दोगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू गुडविल ऐसे बोलेंगे, फिर क्या फायदा उनका करने का, पेट्रोल भी फूको गुडविल भी नहीं मिलेगा। तो ये काम हो गया भाई क्वार्टर का, तो 11:30 बजे से लेके अभी हो रहा है हम 9:30 बांध लेते हैं भाई, क्योंकि 9:17 हो चुका है अराउंड, मेरा अभी 1 किलोमीटर घर रह चुका है, ठीक है 9:30 बजे तक मैं पहुंच ही जाऊंगा। तो देख लो भाई 9 घंटे, आधा आधा घंटा प्लस 10 घंटे, तो 10 घंटे में भाई इनकम ये हुई है हमारी 848 रुपये, देख लिया 10 घंटे में भाई, 10 घंटे में 848 हुई है भाई। ओ ऐसे ठंड में काम हो रहा है, कब निकले थे और कब घुसे, और नहीं करेंगे तो भाई कमा भी नहीं पाएंगे ना भाई इतने टाइम तक। मेन चीज तो ये है ना ठंड में करना पड़ता है, बट ठीक है जैसा भी हो, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। तो आज कहते हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें मेरे भाई। थैंक यू वॉचिंग, बाय।